यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल माई सेल्फ निशान। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 11 की एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मेजोरिटी स्टूडेंट्स को पता होगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। मैं बच्चों ऐसा बता सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है कि जैसे कि आप कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई मशीनरी या फिर कोई भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में कार परचेस करो, तो जैसे जैसे आप वो कार को यूज़ करते हो तो लॉजिकली वो जो कार है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है बच्चों। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब सभी बच्चों को मेरे हिसाब से क्लियर है कि आज आप कोई भी असेट परचेस करेंगे तो असेट की क्या होगी, सर्टेन अमाउंट सर्टेन रिडक्शन के साथ क्या होगा बच्चों, वैल्यू डाउन होगा। जो वैल्यू डाउन होता है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसका आपकी बुक में एक टेक्निकल डेफिनेशन दिया है तो वो हम समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज, परमानेंट डिक्रीज होगा कोई भी असेट्स में जो वैल्यू है वो क्या होगा, परमानेंट डिक्रीज होगा इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी रीजन से हो सकता है, कोई भी रीजन से कोई भी असेट्स की जो वैल्यू डाउन होती है, वो जो डाउन होती है जो अमाउंट से होती है वो अमाउंट को बोलते हैं हम बच्चों डेप्रिसिएशन। आज हम डेप्रिसिएशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आते हैं, जो डेप्रिसिएशन की मेथड है बच्चों। डेप्रिसिएशन की जनरली दो मेथड है जिसमें पहला नाम है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे हम उसको SLM, और दूसरा मेथड है उसका नाम है WDV या फिर उसको बोलेंगे RBM। WDV का फुल फॉर्म है रिटर्न डाउन वैल्यू, क्या है रिटर्न डाउन वैल्यू, और RBM का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो बच्चों ये जो मेथड है वो आपकी सिलेबस में है, तो ये दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है उसका एक प्रैक्टिकल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या समझ लिया बच्चों, मेथड्स। अब मेथड्स के कुछ रूल है, वो रूल पहला रूल हम समझ लेते हैं, दूसरा रूल जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको बच्चों पता चलेगा। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन रिमेन सेम, यहाँ पे ऑलवेज डेप्रिसिएशन आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम। यानी कि अगर आपका पहले साल में 10,000 कम हो रहा है तो दूसरे साल में भी 10,000 कम होगा, थर्ड ईयर में भी 10,000 कम होगा, फोर्थ ईयर में भी 10,000 कम होगा और फिफ्थ ईयर में भी 10,000 कम होगा। यानी कि बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आप कोई भी SLM मेथड से सम करेंगे वहां पे आपका जो डेप्रिसिएशन है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लेकिन RBM या WDV मेथड में ऐसा है कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलवेज चेंज होता रहेगा, यानी कि पहले 10 है तो फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, क्लियर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलवेज आपका सेम रहेगा और यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या रहने वाला है, चेंज होने वाला है, क्लियर बच्चों। तो आपको मैंने पहला रूल समझा दिया, अभी मैं दूसरा रूल समझाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने बच्चों मैं कैलकुलेट करूं तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा कि SLM और WDV में क्या डिफरेंस है, उसकी क्या हमें फॉर्मेट बनानी है। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन हम क्या करते हैं WRBM मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है कंपनी परचेस मशीन ऑन 1/4/2016। एक कंपनी है वो मशीन परचेस करती है कब, 1/4/2016, तो 1/4/2016 आपको यहाँ पे बच्चों दे दिया है ऑफ ₹4,50,000। कितने का परचेस किया हमने, 4,50,000 का। कंपनी इनकर्ड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 50,000, कंपनी ने कितना इंस्टॉलेशन एक्सपेंस किया 50,000। बच्चों एक मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बता दूं कि आप अगर यहाँ पे 4,50,000 की मशीनरी परचेस कर रहे हो, आपने अभी उसका यूज नहीं किया है, आपकी फैक्ट्री पे अभी क्या हो रहा है इंस्टॉल, अकाउंट में एक रूल है कोई भी असेट्स को बिफोर पुट टू यूज, यानी कि आपके यूज के करने से पहले कोई भी एक्सपेंस आप इंकर्ड करो तो लॉजिकली वो किसकी वैल्यू में ऐड होने चाहिए बच्चों, मशीन की वैल्यू में ऐड होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे मेरे 4,50,000 का मेरा एक्चुअल वैल्यू तो था प्लस मैंने इसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितने किए 50,000, तो बच्चों टोटल जो मेरी वैल्यू हुई ना वो 5 लाख की हुई, कितने की हुई 5 लाख। तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअल मेरा जो मशीनरी का कॉस्ट है वो कितने का होगा, 5 लाख का। तो बच्चों आपको याद रखना है कि आप मशीन को यूज करने से पहले कोई भी एक्सपेंस करो तो वो एक्सपेंस कहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, आपकी मशीन की वैल्यू में। आपके कोर्स में कोई लेबर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो या फिर कोई वेजेस हो या फिर कोई भी आपने स्टार्टिंग से पहले कोई एक्सपेंस किए है वो आपको क्या कर देने के, ऐड कर देने के। आगे बच्चों देखो डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, डेप्रिसिएशन का रेट आपको क्वेश्चन में क्लियर दे दिया है कितना परसेंट दिया है, 10%। एंड प्रीपेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर्स, हमें कितने साल के लिए बोला है 2 ईयर, तो हम 2 साल से बच्चों SLM और WDV दोनों मेथड से हम करेंगे। सबसे पहले डेट, हमने कौन सी डेट पे परचेस किया, 1/4/16, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4/16, तो खत्म कब होगा 31 मार्च 2017। लॉजिक है 1/4/2000 हमारा नया स्टार्ट होता है तो खत्म होगा नेक्स्ट ईयर मार्च में, यानी कि 31 मार्च 2017। ये रहा मेरा ओपनिंग बैलेंस, उसमें से मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन तो मुझे मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस।
तो बच्चों ये फर्स्ट ईयर हुआ। सेकंड ईयर सेम 1/4/2017 तो खत्म होगा 31/3/2018। ओपनिंग बैलेंस उसमें से मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन तो अपने को मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस। ये हुआ बच्चों मेरा सेकंड ईयर। तो ये फर्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस डेप्री क्लोजिंग, ओपनिंग डेप्री क्लोजिंग, क्लियर? तो आपको यहां पे ऐसे बच्चों याद रखना है। हम पहले कौन से मेथड से सम करते हैं? एसएलएम मेथड से। कौन सी मेथड से करते हैं? एसएलएम। एसएलएम मेथड में ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब मैंने कितने में परचेस किया? 5 लाख में। तो यहां पे आ गया 5 लाख। उसका डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है? 10। तो 5 लाख का 10% करूं तो डेप्रिसिएशन 50,000 गया। तो लॉजिकली अब मेरी एंड ऑफ द ईयर में जो वैल्यू है वो हुई 4,50,000। कितने की हुई? 4,50,000। तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ गया बच्चों कितना? 4,50,000। अब लॉजिक है 16-17 में जो मैंने 16 के स्टार्टिंग में 5 लाख का असेंट परचेस किया था उसका 50,000 डेप्री निकला। अब कितना बचा? 4,50,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बच्चों नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। तो लॉजिकली ये अमाउंट यहाँ पे क्लोजिंग की ओपनिंग में लिख देंगे 4,50,000। अब यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पे कंसेप्ट देखो, डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है। कौन सी कॉस्ट पे होता है? ओरिजिनल कॉस्ट। जो क्वेश्चन में हमारी परचेस प्राइस होती है, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पे डेप्री काउंट करना है। यहाँ नहीं कि यहाँ पे मुझे डेप्री 4,50,000 पे नहीं लेना है, किस पे लेना है? 5 लाख पे ही लेना है। यानी कि 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50। तो ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 पे ही लेना है। तो अब मेरा वैल्यू हो गया बच्चों 4 लाख। आप रूल अप्लाई करो, डेप्री ऑलवेज रिमेन सेम, सेम रहा डेप्री आपका 50-50। और दूसरा किस पे ऑलवेज लगेगा? आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल कॉस्ट भी दे दिया और डेप्री की अमाउंट भी क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। सामने आता है बच्चों आप WDV मेथड से, जहाँ पे पहले मैंने एक्चुअल प्राइस 5 लाख लिख दिया। अब उसका 10% डेप्री पहले साल में तो लॉजिकली सेम ही रहेगा, तो ये बचेगा 4,50,000। तो फर्स्ट ईयर तो सेम है। अब लॉजिक है बच्चों लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, तो 4,50,000 आ गया। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि यहां पे जो डेप्री है वो ओपनिंग बैलेंस पे लेंगे। यहां पे मैंने किस पे लिया? एसएलएम में ओरिजिनल कॉस्ट पे लिया। लेकिन जब आप WDV से मेथड से सम करते हो तो आप जो डेप्री है वो किस पे लेंगे? ओपनिंग बैलेंस पे लेंगे। किस पे लेंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है 4,50,000 है, उसका मैं कितना परसेंट करूंगा? 10। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों 45,000। कितना हो जाएगा? 45। तो 4,50,000 में से मैंने बच्चों कितने माइनस किए? 45। तो मेरा जो बचेगा वैल्यू वो है 4,05,000। क्लियर? तो यानी कि बच्चों मैं लास्ट टाइम और बता देता हूँ, यहाँ पे डेप्री ऑलवेज रिमेन सेम रहता है और ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। कौन सी कॉस्ट? ओरिजिनल। यहाँ पे जो डेप्री है वो ऑलवेज रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस। और डेप्री किस पे लगता है? ओपनिंग बैलेंस पे। किस पे लगता है? ओपनिंग बैलेंस। तो बच्चों अगर ये दोनों आपको रूल पता चल गए तो लॉजिकली आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान काम हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप कोई भी इजी तरीके से कंसेप्ट के साथ कर पाएंगे। क्लियर? तो ये वो हमारा बच्चों कंसेप्ट जहां पे हमने डिस्कस किया एसएलएम और WDV में क्या डिफरेंस है। और दूसरा हम नेक्स्ट बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। बच्चों आपको याद होगा कि लास्ट में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, यही क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज में आपको समझा दूं तो आपका फंडा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बच्चों टोटल यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम करो कि 3 साल के लिए एंट्री बोला है। कितने साल के लिए? 3। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा पहले साल में ना टोटल 3 एंट्री आएगी। कितनी आएगी? 3। आप बोलेंगे सर कैसे 3 एंट्री आएगी? मैं आपको समझाऊं। पहले हम कोई भी असेट्स को परचेस करेंगे तो लॉजिकली परचेस की एंट्री आएगी। फिर वो परचेस के असेट्स पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन। और दूसरा ये जो डेप्रिसिएशन है उसका हमें देखना पड़ता है कि उसकी इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे कितनी पड़ती है और लॉस पे। तो लॉजिकली ये जो डेप्री है वो हमें एक्चुअली ट्रांसफर करना पड़ता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले साल में आपकी टोटल कितनी एंट्री आएगी? 3। कितनी आएगी? 3। पहले हम परचेस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन, और फिर वो डेप्री है उसका हमें हिसाब करने के लिए कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। सेकेंड ईयर में बच्चों आपकी यही दो एंट्री है, यही दो एंट्री वापस से रिपीट होगी। यही दो एंट्री क्या होगी? वापस से रिपीट होगी। थर्ड ईयर में यही दो एंट्री वापस से क्या होगी? रिपीट होगी। लॉजिक है ना, डेप्री तो एवरी ईयर लगेगा। फर्स्ट ईयर में अगर 50 लगाया था, दूसरे में भी 50, थर्ड में भी 50, तो लॉजिकली ये जो 50,000 है उसका तो डेप्री क्या है? रेगुलर हमें एवरी ईयर उसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो परचेस, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कहाँ पे ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बच्चों मैं आपको पहला एंट्री समझाता हूँ। फर्स्ट ईयर में
क्या अगर हम कोई भी मशीन परचेस करें, कोई भी मशीन परचेस करें, तो लॉजिकली बच्चों मशीन परचेस करते हैं, यहां पे हमने कितने का परचेस किया, 4,50,000 का मशीनरी परचेस किया और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हमने कितने किया, 50,000। अब थोड़ा आप सोचो प्रैक्टिकली, अकाउंट में मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूँ कि कोई भी चीज एक लेते हो तो सामने दूसरी आपको देनी पड़ती है। अब बच्चों लॉजिकली मैंने अगर असेट्स परचेस किया है तो मेरे पास मशीन आएगी, अकाउंट में आपको असेट का रूल पता है कि असेट्स कम्स देन डेबिट एंड गोज आउट देन क्रेडिट। तो बच्चों मैं समझूंगा मशीन यहां पे मेरे पास आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, मशीन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि मशीन कम्स। अब मैंने मशीन परचेस किया तो सामने मुझे क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, तो कैश जाएगा। लॉजिकली अगर मैं चेक से दे रहा हूं तो बैंक जाएगा, तो यहां पे मुझे करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो पहला एंट्री आपका ये होगा, मैंने कौन सी डेट पे परचेस किया है, 1/4/2016, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई 1/4/2016 को मैंने ये मशीनरी परचेस किया। टोटल बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा 4,50,000 का मशीन का एक्चुअल वैल्यू था और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 50,000 था, तो टोटल मेरी असेट 5,00,000 की रही। लॉजिक है इसमें से ये 50,000 छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं ना, तो लॉजिकली वो आप कैश में देते हो। आप अपने घर मजदूर आते हो तो उसको चेक देते हो, नहीं आप क्या देते हो उसको, कैश। तो लॉजिकली जो बिजनेस में छोटे मोटे एक्सपेंस है वो आप कैश से देंगे, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है यहां पे मैं चेक से दूंगा, तो वो आएगा 4,50,000। तो पहला एंट्री हुआ मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, तो बहुत इजी है, मशीन आया तो डेबिट और दोनों गया कैश और बैंक, तो लॉजिकली क्रेडिट। तो ये हुआ आपका पहला एंट्री। दूसरा बच्चों लगता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब लगेगा, आपका एंड ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द ईयर में लगता है ना, आप अपना हिसाब कब करने बैठते हो, एंड ऑफ द ईयर, तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर लगता है। तो यहां पे मैंने डेट लिख दिया एंड ऑफ द ईयर की 31 मार्च 2017। डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है बिजनेस का, बिजनेस का क्या है बच्चों, एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, क्यों एक्सपेंस है, कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, बच्चों मैंने 5,00,000 का एक कार लिया, एक साल के बाद मैंने बेचा, उसमें 50,000 का डेप्री निकला, अब उसकी वैल्यू जो हो गई 4,50,000, मैंने लिया था 5,00,000 में, अब मुझे मिलेंगे 4,50,000 अगर मैं बेचने जाऊँ तो, कितने का नुकसान हुआ, 50,000 हुआ ना, एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो लॉजिकली एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, तो लॉजिकली डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। टू, ये चीज की वजह से मशीन जब आई थी तब डेबिट हुई, अब मशीन के वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम, तो लॉजिकली मशीन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मैंने मशीन क्रेडिट कर दिया, कितने का डेप्री लगा था बच्चों पहले साल में, यहाँ पे SLM से कर रहे तो लॉजिकली 50,000 का डेप्री लगा था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50,000 और 50,000। तो ये हो गया आपकी बच्चों दूसरी एंट्री, बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से आपको कंसेप्ट समझनी है। अब बच्चों थर्ड एंट्री, 31 मार्च 2017 को ये जो डेप्री है उसको मुझे हिसाब करना पड़ता है, मेरा लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस। तो मुझे कौन से अकाउंट में ले जाना है, एक मैं अकाउंट प्रिपेयर करता हूं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई भी एक्सपेंस आप ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस ले गए, एक्सपेंस ले जाते हो तो लॉजिकली पीएनएल डेबिट होता है और इनकम ले जाते हो तो पीएनएल क्रेडिट होता है। यहां पे एक्सपेंस है इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या किया, डेबिट। अब डेप्रिसिएशन जो आपने पहले डेबिट किया था, अब उसको नलीफाई करने के लिए आप कौन से अकाउंट में ले जा रहे हो, लॉजिकली पीएनएल अकाउंट में, तो उसको आपने जो डेबिट किया था उसको आपने क्रेडिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू डेप्रिसिएशन यहां पे हो जाएगा 50 और 50। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों, बहुत इजी कंसेप्ट है। सिर्फ जब मैंने मशीन लिया तब डेबिट, अब मशीन जा रहा है तो क्रेडिट, जब पहले डेप्रिसिएशन लगा तो डेबिट, अब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कम हो रहा है यानी कि डेप्रिसिएशन नलीफाई करना है तो क्रेडिट। सिंपल, पहला मशीन डेबिट फिर क्रेडिट, डेप्री डेबिट देन क्रेडिट, ये हुई पहले साल की तीन एंट्री। बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हो बच्चों, आप याद कर सकते हो। तो ये हुई फर्स्ट ईयर की कितनी एंट्री, तीन एंट्री। अब बच्चों लॉजिक है ना, यहाँ पे मैंने कितने साल बनाए हैं, 2 साल की बनाने की बोली थी आपको, तो दूसरे साल में भी 2 एंट्री। बच्चों एक शॉर्टकट बता दूं, यही 2 एंट्री दूसरे साल में क्या होगी, रिपीट। पहले साल में 3 एंट्री आती है, दूसरे साल में लॉजिकली मशीन थोड़ी ना वापस परचेस कर रहे हैं, वो कर रहे थे तो एक ही साल में उसका एंट्री कर दिया। अब
ये जो दोनों एंट्री है वापस से सेकंड ईयर में क्या होगी, रिपीट होगी बच्चों। तो मैं ऐसा बता सकते हो कि सेकंड ईयर की एंट्री हम पास करते हैं, सेकंड ईयर में ऑलवेज कितना एंट्री होगा, दो। कितना एंट्री होगा, दो। यहाँ पे मैं उसकी डेप्रिसिएशन है, उसकी डेट है 31 मार्च 2018। कौन सी होगी, 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे लगता है, मशीन। तो मशीन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का डेप्री लगा, 50,000 का और 50,000 का। यही डेप्री आप कहां पे ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस ऑलवेज पीएनएल की डेबिट सेल ले जाते हैं, और सामने डेप्रिसिएशन डेबिट था उसको मुझे क्रेडिट करना है, तो टू डेप्रिसिएशन। कितने का लगेगा बच्चों डेप्रिसिएशन, 50,000 का और 50,000 का। तो बच्चों यहां पे आप एक चीज का कंपैरिजन करो, कैसे कंपैरिजन करो, फॉर एग्जांपल पहले साल में तीन, ये तीनों एंट्री पहले साल में कर ली, दूसरे साल में यही दो एंट्री मैंने यहां पे वापस लिखा, तो सेकंड ईयर में दो एंट्री, सिर्फ डेट चेंज होगी, वो 2017 की डेट थी, तो लॉजिकली बच्चों यहां पे जो डेट है वो है 2018 की। क्लियर। तो कितनी एंट्री हुई, टोटल 3 + 2। अब लास्ट ईयर बच्चों बचता है वो हमारा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में अजम्पशन लो बच्चों कि ये जो मशीन है मैंने सेल कर दी, क्या कर दी सेल, तो लॉजिकली एक दो एंट्री तो वो डेप्री वाली आने वाली है, तो यहां पे एक और एंट्री थर्ड सेल्स का आएगा कि नहीं आएगा। और फोर्थ बच्चों जो एंट्री है, ये मशीन में सेल कर रहा हूं तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट और लॉस में से दो में से क्या आएगा, एक एंट्री आएगा। अब बच्चों कैसे, यहां पे ध्यान रखो, मैं आपको पहले बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अजम्पशन लो कि यहां पे मेरा थर्ड ईयर था नहीं, पर थर्ड ईयर अजम्पशन ले लो कि थर्ड ईयर था, और थर्ड ईयर पे वापस से मेरा 31 मार्च 2018 पे दो एंट्री डेप्रिसिएशन में पहले लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितने का डेप्री था, 50K और 50K। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये मशीन मैं कहां पे ले जाता हूं, पीएनएल अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का है बच्चों डेप्री, 50K और 50K। तो ये भी मैंने लिख दिया और डेट भी बच्चों लिख ली, 31 मार्च 2018। अब वापस से आपको एक और बार आप रिवर्स कीजिए, पहले साल में कितनी एंट्री हुई, तीन। कितनी हुई, तीन। दूसरे साल में कितनी एंट्री हुई, दो। थर्ड ईयर में यही दो एंट्री, दो। लॉजिकली टोटल पहले साल में तीन, फिर दो, फिर दो। अब अज्यूम करो कि यही साल में ये मशीनरी मैं सेल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं सेल। फॉर एग्जाम्पल ये मशीनरी है वो 3,50,000 की थी और मैंने 3,00,000 में सेल कर दी। मैंने सेल कितने में की, 3,00,000 में, और थी कितने की, 3,50,000। तो ऐसा बता सकता हूं कि 50,000 मेरा बच्चों लॉस हुआ। कितना हुआ लॉस, मेरे पास कितने की वैल्यू थी बच्चों, 3,50,000 की एक मशीन थी जो मैंने 3,00,000 में बेची। कितने लाख में बेची, 3,00,000। लॉजिकली 50,000 का लॉस हुआ। तो लॉजिकली एक और एंट्री आपकी आएगी जो आप मशीन सेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईयर के लास्ट डेट में मशीनरी सेल की, तो यहां पे मैंने लिख दिया 31 मार्च 2018। अब बच्चों आप थोड़ा प्रैक्टिकल इशू जो, मैं किसी को फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट से मेरा, उससे मैंने कोई मशीनरी बेच पाई, मैंने सेल किया, तो मेरे पास क्या आने वाला है, आप सोचो तो मेरे पास क्या आने वाला है। लॉजिकली कैश आएगा ना, चेक से आएगा पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल चेक से आएगा, तो लॉजिकली मेरे पास कैश आएगा, और मैं उनको सामने क्या दूंगा, ये मेरी मशीनरी। तो मेरे पास बैंक आया तो लॉजिकली बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या गया, लॉजिकली मशीनरी गया तो मशीन क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, तो टू मशीन अकाउंट। कितने में सेल किया मैंने बच्चों, 3,00,000। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 3L और 3L। क्लियर और नॉट, तो ये होगा आपका सेल का। तो पहले ये दोनों तो कंफर्म ही है, लेकिन थर्ड अगर आप सेल करते हो तो बैंक टू मशीन आपको यह क्या करना पड़ेगा, वापस से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब लॉस का करना पड़ेगा एंट्री, लॉजिकली है ना, 3,50 की चीज आपने 3 में सेल की, तो कितने का लॉस हुआ, 50,000 का लॉस हुआ बच्चों। लॉस आपको कहां पे ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई भी चीज एक्सपेंस और लॉस ले तरफ ले जाओ तो कहां पे ले जाना है बच्चों आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई भी आपका बिजनेस का लॉस होता है या फिर कोई भी एक्सपेंस होता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से सेल ले जाना है बच्चों, डेबिट साइड।
तो ऐसा बता सकता हूँ कि पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ, 50,000 का, तो 50K और 50K, ये आपका लॉस का एंट्री है। क्या है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों साथ में ये भी समझा दूं, 350 की चीज मैंने 4,00,000 में सेल की होगी तो लॉजिकली 50,000 का नफा यानी कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। तो बच्चों ये जो एंट्री किया उसका रिवर्स, मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो बच्चों मैंने आपको ऐसा बता सकता हूं कि आपको पहले मैंने ये 3 एंट्री कराया, फिर 2 कराया, फिर 4 कराया, 2 डेप्री की तो कंफर्म ही है, फिर उसको सेल किया और फिर या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो टोटल बच्चों आपका पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया, जहां पे मैंने पहले SLO WWE का डिफरेंस, उसका क्वेश्चंस और क्वेश्चन के साथ आपको पूरी जनरल एंट्री समझा दी। तो बच्चों नेक्स्ट हम जो हमारा पार्ट है उसमें आपकी बुक्स में, गुजरात बोर्ड की बुक्स में जो भी क्वेश्चंस थे उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।